वेलकम बैक दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मणि स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों, जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। 27 दिसंबर 3 बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिल्कुल ऑफिशियली न्यूज है। एनएम जीएनएम भर्ती 2018, नर्सिंग अधीक्षक पदों पर प्रमोशन, नर्सेज पदनाम परिवर्तन, साथ ही ज्वाइनिंग से रिलेटेड बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो चलिए ऑफिशियली न्यूज देख लेते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियली न्यूज निकल के आ रही है दैनिक भास्कर जयपुर 27/12/2020 27 दिसंबर का ही यहाँ पे न्यूज निकल के आ रहा है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जयपुर प्रदेश में नर्सेज संवर्ग की विगत 6 वर्षों से चली आ रही मांगों के लिए नर्सिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष खुशी राम मीणा एवं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक सपोटरा के नेतृत्व में नर्सेज का एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से भेंट की। मुख्य सचिव को विगत 6 वर्षों से नर्सिंग अधीक्षक की पदोन्नति लंबित होना, नर्सेज के पदनाम परिवर्तन एवं सीधी भर्ती 2018 के तहत चयनित नर्सेज को नियुक्ति देने सहित विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, जिसमें जो एक जो प्रतिनिधिमंडल है इनके जो मुख्य सचिव से क्या किया गया, भेंट किया गया है, भेंट की। और मुख्य सचिव को जो है 6 वर्षों से जो नर्सिंग अधीक्षक की पदोन्नति लंबित होना, इसके बारे में जो है जानकारी दी गई है। और नर्सेज के पदनाम परिवर्तन एवं सीधी भर्ती 2018 के तहत चयनित नर्सेज को नियुक्ति देने सहित विभिन्न समस्याओं से जो है यहाँ पे अवगत कराया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुलाकात की गई है मुख्य सचिव से। तो ये बिल्कुल बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। अब आगे देखें क्या है। तो प्रतिनिधिमंडल में लक्ष्मीकांत सुरेश मीणा, अमर सिंह नर्सेज एसोसिएशन जयपुर के जिला अध्यक्ष बालकृष्ण शर्मा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष विक्की यादव, संगठन के महामंत्री पवन सिंह जादौन, RUHS के संयोजक राजेश गुर्जर आदि मौजूद रहे। तो यहाँ पे जो है एक बैठक की गई है मुख्य सचिव के साथ, जो है बैठक हुई है, भेंट की गई है, जिसमें यहाँ पे 3 बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, जिसका जो यहाँ पे समस्या है इसका निवारण की बात की गई है। तो ये बहुत ही बड़ी ऑफिशियली न्यूज निकल के आ रही है। इसके बारे में कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहती हो, कोई जानकारी चाहती हो तो नीचे कमेंट कर दो। जैसे ही कोई इस पर ऑफिशियली अपडेट आता है मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।